ये महंगाई को बढ़ाएगा और बेरोजगारी से रोक करने का कोई कदम नहीं उठा। किसान के लिए और ज़्यादा तकलीफ होगी, खाद का भाव बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो मेरा तो सवाल ये है कि हरियाणा को क्या मिला है? तो हरियाणा को तो कोई हरियाणा की तो कहते नहीं, हरियाणा को तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। फर्टिलाइजर सब्सिडी थी वो 2.25 लाख करोड़ से घटाकर 1.75 कर कच्चा नहीं किया। यूरिया पर जो सब्सिडी थी वो 1,57,000 करोड़ से करके रिवाइज करके 1,31,000 कर दिया, करोड़ 1,31,000। सभी घर गांव तक जाएंगे, घर तक। दरअसल कांग्रेस के नेता है सुभाष बत्रा और उनका ये कहना है कि चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे भाजपा का राज हो, हमारा जो पंजाबी समुदाय है उसकी अनदेखी हुई है और उसी को लेकर वो एक महासम्मेलन और कह रहे हैं कि बड़ा फैसला लेंगे पॉलिटिकल। तो कांग्रेस प्रजातंत्र है भाई, सबके लिए है, वही ले लो। कांग्रेस उनका मुख्यमंत्री आज है, इसको आने दिए। सुभाष बत्रा जी ने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप को सुदबुद्धि आनी चाहिए। वो भी तो खुद अपने आपको कांग्रेस के नेता बता रहे हैं, उनको आ जाएगी, दो रंग भी आ जाएगी अपनी। आज बजट आया है, उस बजट को किस लिहाज से आप देखते हैं? क्योंकि बीजेपी वाले लोग ये कह रहे हैं कि आम जनता के हक का बजट है, टैक्स में रिबेट दी। ऐसा है, टैक्स में रिबेट दी है इन्होंने 5 से 7 लाख रुपए किया है, लेकिन ये जो बजट दिया है ये महंगाई को बढ़ाएगा और बेरोजगारी पे रोक करने का कोई कदम नहीं उठा। किसान के लिए और ज्यादा तकलीफ होगी, खाद का भाव बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और आम आदमी को, गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को कोई राहत मिलने वाला बजट नहीं है। जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया। तो हरियाणा को तो कोई हरियाणा की तो चर्चा ही नहीं, हरियाणा को तो कोई लाभ ही नहीं हुआ इससे कोई भी उसमें। अब इन्होंने हर उसमें कटौती की है, चाहे वो खाद की सब्सिडी हो, चाहे मनरेगा हो, जो कि गरीब आदमी किसान से कनेक्टेड है। और इसी प्रकार से उन्होंने कहीं भी, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना हो, स्वास्थ्य योजना हो, FCI को कटौती की है, जैसे मैं बताता हूँ। देखिए इसमें की है उन्होंने, और कर्जा और बढ़ने का काम किया है, जिसमें कर्जा जो है 10 लाख करोड़ से ज्यादा, तो ये 6 लाख करोड़, जो 6,12,000 करोड़ जो ब्याज और कर्जा देते थे, अब वो बढ़ के 10 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार से इसमें दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि देश की आर्थिक भी जो है वो चिंताजनक होगी। इस बजट ने साफ जाहिर किया है 50 लाख करोड़ के बजट में कम से कम 11 लाख करोड़ ब्याज और तकरीबन 11 लाख ब्याज और कर्ज में निपटाने में लग जाएगा। 10.4 11 लाख करोड़ उसमें लगेगा। और जो कोविड की बात थी, कोविड के कारण हुए नुकसान में गरीब आदमी की कोई भरपाई का प्रयास नहीं किया गया। फर्टिलाइजर सब्सिडी थी वो 2.25 लाख करोड़ से घटाकर 1.75 कर दी। किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा, बल्कि कोई MSP का भी चर्चा नहीं किया। जो उम्मीद कर रहे थे भाई MSP डिक्लेयर करेंगे, उसका कोई चर्चा नहीं किया। यूरिया पे जो सब्सिडी थी वो 1,57,000 करोड़ से करके रिवाइज करके 1,31,000 कर दिया, करोड़ 1,31,000 कर दिया। इसी प्रकार से 1,54,00,000 जो इस पे यूरिया पे सब्सिडी थी वो घटाकर 1,33,00,000 कर। तो मेरा तो सवाल ये है कि हरियाणा को क्या मिला है इस बजट में? हरियाणा में कोई बजट में कोई हरियाणा को लाभ नहीं है। कोई भी जो भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे हरियाणा को राहत दें, कोई ऐसी राहत हरियाणा को नहीं।